एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि थैनोस अकेले टोनी स्टार्क का काम तमाम करने वाला था, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन थैनोस को ना देता तो शायद एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में हमें टोनी स्टार्क नहीं दिखा देता। लेकिन ये बात हम सब ने नोटिस की कि थैनोस ने किसी भी एवेंजर या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को नहीं मारा, यहाँ तक कि थॉर को भी जिंदा छोड़ दिया, और स्टोन मिलने के बाद थैनोस खुद ही अपने आप वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि थैनोस सिर्फ टोनी स्टार्क की जान क्यों लेना चाहता था, वो भी स्टोन मिलने से पहले। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम बात करने वाले कि क्यों थैनोस सिर्फ टोनी स्टार्क एके आयरन मैन का उद्धार करना चाहता था। अब इन टॉपिक्स पर कई थ्योरी आ चुकी है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क बैटल की। तो काफ़ी फैंस का ऐसा कहना है कि आयरन मैन ने थैनोस का शिप डिस्ट्रॉय किया और लोकी को भगवान बनने से रोका, इसलिए थैनोस टोनी स्टार्क को मारना चाहता था, और कुछ हद तक ऐसा करेक्ट भी हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि थैनोस को किसने बताया कि टोनी स्टार्क ने थैनोस को इनडायरेक्टली हरा दिया है, क्योंकि जब आयरन मैन ने शिप डिस्ट्रॉय की तब थैनोस की सारी आर्मी अर्थ पर मर चुकी थी और थॉर लोकी को लेकर एसगार्ड चला गया था। तब कोई नहीं बचा जो थैनोस को ये बता सके कि टोनी स्टार्क ने न्यूयॉर्क बैटल का एंड कर दिया है, साथ में थैनोस के प्लान का भी। अब बात करते हैं इन्फिनिटी वॉर की। तो बैटल ऑफ टाइटन के टाइम पर हमने देखा कि थैनोस टोनी स्टार्क को जानता था, और थैनोस टोनी स्टार्क को कैसे जानता था यह हमें नहीं पता, लेकिन थैनोस ने सिर्फ स्टार्क बोला था। थैनोस ने एक स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, जैसे टोनी स्टार्क या हॉवर्ड स्टार्क। लेकिन जब टोनी स्टार्क बोलता है कि तुम जानते हो मुझे, तब थैनोस बोलता है कि ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला, और ये ज्ञान मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ज्ञान का मतलब कुछ और है जो सिर्फ टोनी स्टार्क और थैनोस के पास है, और शायद इस नॉलेज से पूरी दुनिया को नेक्स्ट लेवल या बदला जा सकता है, जो थैनोस नहीं चाहता था। इसलिए इन्फिनिटी स्टोन मिलने से पहले थैनोस टोनी स्टार्क को मारना चाहता था, और कहीं ना कहीं थैनोस ये बात जानता है कि अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो टोनी स्टार्क है। और आयरन मैन से फाइट करने के बाद थैनोस को ये पता चल गया कि टोनी स्टार्क कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। टोनी स्टार्क ने सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से थैनोस का खून निकाल दिया, और आयरन मैन थैनोस को हरा देता अगर आयरन मैन का आर्मर वाइब्रेनियम या ओरो मेटल से बना होता, क्योंकि जो मेटल से आयरन मैन का मार्क 50 आर्मर बना था वो थैनोस से ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर थैनोस को टोनी स्टार्क को मारना ही था तो वो टाइम स्टोन मिलने के बाद भी तो उसे मार सकता था। तो आंसर है डेफिनेटली थैनोस ऐसा कर सकता था। इन्फिनिटी स्टोन मिलने के बाद टोनी स्टार्क का काम तमाम हो जाता, लेकिन थैनोस अपने ओपोनेंट की हमेशा रिस्पेक्ट करता है, और अगर थैनोस चाहता तो स्टोन मिलने के बाद सारे एवेंजर को मार सकता था टाइटन पर, लेकिन थैनोस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि थैनोस का एम कभी सुपर हीरो को मारना नहीं था। थैनोस का एम यूनिवर्स को बैलेंस करना था, जो उसने किया। तो फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि थैनोस ने टोनी स्टार्क को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो थैनोस ने टोनी स्टार्क को जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन के बदले में टोनी स्टार्क की जान बचाई, और सेकंड रीज़न ये है कि थैनोस को पता था कि जब तक टोनी स्टार्क अर्थ पर माइंडस्टोन बचाने आएगा तब तक थैनोस अपना काम कर चुका होगा, और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने ऐसा ही किया। जब तक टोनी स्टार्क ने खुद का इलाज किया तब तक थैनोस ने स्नैप कर दिया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि थैनोस टोनी स्टार्क को क्यों मारना चाहता था, और साथ में टाइम स्टोन मिलने के बाद टोनी स्टार्क जिंदा क्यों बच गया। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।